हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्राफ्टर्स। आज मैं आपको हॉटपॉट स्टाइल और हांडी स्टाइल का विद लिड कुकी जार और कुकी बॉक्स बनाना बताऊंगी। आप एज ए ट्रीट बॉक्स भी इसको काम में ले सकते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक कार्ड स्टॉक की। मैं यहाँ वाइट कलर का ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। स्प्रिंग सीजन है तो इसलिए मैंने ये लाइट कलर लिया है ताकि इसके ऊपर हम कलरफुल अरेंजमेंट कर सकें। इसके लिए हमें 17 इंच लंबाई में शीट लेनी है और 7 इंच हाइट में लेनी है। यहाँ मैंने मार्था स्टूअर्ट स्कोरिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है। आप अपना सिंपल स्केल से स्कोर कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हमें 6 वॉल्स चाहिए थी, जिसके लिए हमने 2.6 पर स्कोर किया है और इसे इवनली 6 वॉल्स में डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से हमारे पास 6 वॉल्स आ गई हैं। लास्ट वाली वॉल थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि यहाँ हम स्कोर करेंगे 2.6। ये हमने स्कोर किया और ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रिप आ गई फोल्ड करने के लिए, जो हमारे को बॉक्स को फिक्स करने के लिए काम आएगी। इस तरीके से हमारे पास इवन साइज़ की 6 वॉल्स आ चुकी हैं। इसके बाद हमें इसका बेस बनाना है। बेस के लिए हम थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिप लेंगे और ऊपर के लिए हम फोल्ड करने के लिए थोड़ी पतली स्ट्रिप लेंगे। ऊपर के लिए हमें 1.5 इंच लेना है। हम 1.5 पर स्कोर कर रहे हैं। हम 1.5 पर स्कोर किया है और ये हमने बेस के लिए 2 इंच पे हम स्कोर करेंगे। ये देखिए, हमने ये ऊपर और बेस के लिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। यहाँ पे 1.5 और नीचे बेस के लिए 2 इंच लिया है हमने। हम इसको इवनली फोल्ड कर दिया है और ऊपर से भी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास बेसिक बॉडी बॉक्स की आ चुकी है। अब इसके बाद हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगाना है। हम निशान लगाते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच लेना है, यहाँ से हाफ इंच लेना है और उसको मिला देना है। ऐसा करने के बाद हमें कैंची से इस वी बने हुए वी को कट कर देना है। कट द वी, ये जो वी शेप आई है इसे कट कर देंगे। अगर आपके पास, मैं तो काटूंगी इसे एनवलप पंच बोर्ड से। अगर आपके पास एनवलप पंच बोर्ड नहीं है तो आप सीजर्स यूज़ कीजिए। चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ हमने इसको वी कट कर दिया है। मैंने एनवलप पंच बोर्ड से किया है, आप अपने सीजर्स लेकर कट कर दीजिए। ऐसा करने पर नीचे हमें ये शेप मिल जाएगी। हमने वॉल्स के हर कॉर्नर पे किया है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ऐसा फोल्ड करने के बाद ऐसे हमने इस पर कट लगा दिया है। अब हमारे पास नीचे बेस पे ये मिल गया है हमें। अब हम यहाँ पर थोड़ा स्टैम्पिंग इफेक्ट देंगे। हम ब्लेंडिंग टूल से, मैं यहाँ रेड इंक ले रही हूँ, इसके जो एजेस हैं हम उसे ब्लेंड कर देंगे। आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है तो आप सिंपल स्पॉन्ज का टुकड़ा लीजिए, उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ हम ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ, इसको फोल्ड करता है। इसके जो वॉल्स हैं उसकी मिडिल लाइन को भी हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने से हमें एक अच्छी आउटर लाइन मिल जाती है। अब हमें इसके बाहर पेपर यूज़ करना है। मैं यहाँ केट एंड कंपनी का डिज़ाइनर शीट्स ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी
शीट ले सकते हैं, स्प्रिंग का सीज़न है तो मैं ये फ्लावर्स वाला ले रही हूँ। आप अपनी पसंद से रोजेज या लीव्स कैसी भी ले सकते हैं, ऐसे स्टिकर्स भी ले सकते हैं। हमने यहाँ डिज़ाइनर पेपर लिया है, ये दोनों तरफ से होता है, हम यहाँ फ्लावर वाला यूज़ करेंगे। अब हमने इसका साइज़ क्या लिया है, देखिए ये 2.6 था और यहाँ नीचे हमने जो इसका साइज़ लिया था टोटल तो हमने 7 लिया था और यहाँ 2.6 लिया था, लेकिन हमें एक्चुअल अब हमें डेकोरेट करने के लिए सिर्फ ये बीच का ब्लॉक चाहिए जो कि 2 और 3 बन रहा है। हमने ये लिया है 2, यहाँ से 2 और यहाँ से हमने 3 लिया है। ये क्यों? क्योंकि हमें इससे छोटा चाहिए, हम चाहते हैं साइड का वाइट पोर्शन दिखाई दे, हमें यहाँ इन पे स्टिक करना है। ये मैंने डिज़ाइनर पेपर कट कर लिए हैं जो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले हम इसकी एजेस को ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ रेड इंक ही ले रही हूँ, आप दूसरे इंक ले सकते हैं, जैसा आपका कार्डस्टॉक शीट का कलर हो आप वैसे इंक यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी डार्क एजेस भी कर सकते हैं अगर डार्कर आप शेड ले रहे हैं तो। इसे हमें सेंटर में पेस्ट कर देना है। अपनी पसंद का कोई भी ग्लू ले लीजिए, ऐसा ग्लू लीजिए जो थोड़ा जल्दी सूख जाए। इसके बाद हम ये नीचे की जो बेस था इन वॉल्स को अलग कर देंगे। ये जो साइड की हमारे पास स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, ऊपर से नहीं, खाली नीचे की जो नीचे की जॉइंट है सिर्फ इतनी सी। और ये जो थोड़ा सा कॉर्नर इसका बाहर है इसे भी हम कट कर देंगे। ये ऐसे हमारे पास बेसिक बॉडी आ गई है। अब हमें इसे ऊपर वाली स्ट्रिप जो ऊपर की है लिड के तरफ की, उसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये साइड की स्ट्रिप को फोल्ड कर देंगे, बॉल्स को इवनली फोल्ड करते हुए पास में जाएंगे। इस स्ट्रिप को हमें इसके अंदर ऐसे डालना है और पेस्ट कर देना है। अब हम इसके बेस को चिपका लेंगे। इस सेंटर में ये लगाकर ऊपर से इसे प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो ऐसा सर्किल आप इसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमें पीछे से ऐसे करते हैं तो पीछे से हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। ये हमारे बॉक्स का मेन बॉडी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसकी हांडी के या हॉट पॉट के हैंडल्स बनाने हैं। हैंडल्स बनाने के लिए ये देखिए हमने ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, आउटर सर्कल, उसके बीच में एक छोटा सर्कल। हमें अंदर वाला सर्कल को कट कर लेना है।
हम कट करते हैं। अब हम इसका हल्का सेंटर पे निशान लेंगे, सेंटर में निशान से इधर हल्का सा निशान लगाएंगे, 0.1 के करीब ही ऐसे निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पे इसको हैंड बोर्ड से कर रही हूँ, आप सिंपल स्केल से कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, हमें इतना अंदाजे से निशान लगाना है। ये देखिए, ऐसा ही हमें दूसरे सर्कल में भी करना है। इनके सेंटर के हम सर्कल्स कट कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे भी निशान लगाते हैं। हम इसके एजेस को ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा हैंडल है, ये हमारे पास इसके हैंडल्स तैयार हो चुके हैं, जो हम इसके यहाँ दोनों तरफ ऊपर लगा देंगे हॉट पॉट स्टाइल में, सर्विंग बॉल या हॉट पॉट स्टाइल, हांडी स्टाइल में हमें यहाँ पे इन्हें पेस्ट करना है, तो पेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसके रिबन टाई कर दिए हैं हैंडल्स पे। अब हम इसका ऐसे करके निशान लिया है हमने इसके लिड के लिए। ये हमारे पास ये एग्जैक्ट साइज आ गया है, अब हम इसे कट करेंगे। ये हमारे पास कटिंग के बाद आ गया, हम इसकी वॉल्स को ब्लेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम इस लिड की वॉल्स बनाएंगे। वॉल्स बनाने से पहले हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम स्ट्रिप लेंगे 1.5 इंच की, या उससे थोड़ा सा कम लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने 1.4 के आसपास लिया है, ये ऐसे चौड़ाई में, और लंबाई में हमें उतनी ही लेनी है जितना हमने बॉक्स के लिए लिया था। लेने के बाद हमें इसके अंदर इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है, और एग्जैक्ट जहाँ ये फोल्ड हो आसानी से वहाँ निशान लगा लेना है। ये हमारा यहाँ पे फोल्ड का निशान आया है, और हमें यहाँ पे इसको चिपकाना है। चिपकाने के बाद हमें इस पर लगाना है जो इसका लिड बनेगा, पहले हम इसको चिपका देते हैं। ये हमारा ऐसा तैयार हो चुका है, ये हमने इसके अंदर एडजस्ट करके देख लिया था। अब इसकी हम लिड के ऊपर इसको चिपका देंगे। अब हम इसके ऊपर ये पैटर्न पेपर को पेस्ट कर देंगे। इस पैटर्न पेपर को यहाँ ऊपर पेस्ट करने के बाद ये बीड के अंदर मैंने ये पेपर स्ट्रिंग डाली है, और मैंने इस बीड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप कोई और नॉब लगाना चाहते हैं या किसी बॉटल का एम्प्टी ढक्कन लगाना चाहते हैं तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम इस वॉल की फिनिशिंग करते हैं। ये हमारे पास लीफ शेप की लेस है, ये हम इसके एजेस पे पेस्ट करते हैं। ये हम इसके ऊपर इसकी हमने लेड लगा दी है। इस तरीके से ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। आप इसकी लीड को ऐसे निकाल लीजिए, और ये हमारे पास हैंडमेड कुकीज़ हैं। आप किसी को गिफ्ट करने के लिए ये इसके अंदर रखिए, और अपने लव वंस को आप दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।